Very very good evening members. So very very thank you for this video. See, this video we explain the time, distance and speed. The new topic from reasoning. So ये बहुत important है. So मैं इसके कुछ notes हैं, पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर हम ये topic start करते हैं. जो most important notes हैं पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपको वो ईजिली पता लग जाए. जैसे कि ये है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस. इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, कुछ थ्योरीज हैं, आप ध्यान से देख लीजिए. देखिए स्पीड है, स्पीड द फॉर्मूला इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. इसी से ही इसके दो फॉर्मूले निकलते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंड टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा स्पीड इनटू डिस्टेंस. ठीक है, तो ये आप एक फॉर्मूले से निकाल सकते हो. सेकेंड फॉर्मूला इज काइंडली मेक श्योर दैट द यूनिट यूज आर कंसिस्टेंट. ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद होने चाहिए. फर्स्ट इज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. सो ये आपको याद होना चाहिए कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर है. नेक्स्ट 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर इज इक्वल टू 1600 मीटर्स. तो ये आपको याद रहना चाहिए. नेक्स्ट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स. ठीक है, सो आप इसको ये भी लिख सकते हो, 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60. ओके, सो आप क्या आ जाएगा यहाँ पे 3600. तो आपको याद रहेगा. नेक्स्ट 1 किलोमीटर पर आवर, ये आप हमेशा याद रखना कि जो 1 किलोमीटर पर आवर है. अब देखिए किलोमीटर को हम किस में चेंज कर सकते हैं, आवर में, और मीटर को किस में चेंज कर सकते हैं हम, सॉरी किलोमीटर को हम किस में चेंज कर सकते हैं, मीटर में, और आवर को हम किस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें सेकंड्स में. सो आप ये याद रखना. तो इसका यहाँ पे इजीली हम इसको कर सकते हैं, 1 किलोमीटर जो है इज इक्वल टू 1000 मीटर आ गया. और नेक्स्ट है आर. अब आर को अगर आपको सेकंड्स में डिवाइड कन्वर्ट करना तो 3600 आ गया. सो 100,000 और 3600, तो इस आराम से हो जाएगा ये. ठीक है, तो 5/18 मीटर्स आ गया. और हमेशा आप याद रखना कि जब भी आपको किलोमीटर को आर इज इक्वल टू अगर आपको मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो वो मैं आपको आगे ट्रिक्स भी बताऊंगी 5/18 की. ठीक है, अगर आपको कन्वर्ट करना है, जैसे कि फर्स्ट है, अगर टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर, मतलब ये देख लीजिए ये वाला पॉइंट, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड से अगर आपको कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर को आपको क्वेश्चन है और आपको आंसर पूछा है मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से. बट इसके उल्टा अगर रिवर्स हो जाए, अगर आपको मीटर पर सेकंड दिया है और अगर आपको इसको किलोमीटर पर आवर में आंसर चाहिए, तो आप डिवाइड करोगे 18/5 से, इसका रिवर्स मल्टीप्लाई कर दोगे या फिर डिवाइड कर दोगे 5/18 से. ठीक है, तो वो आप देख लेना. बट इसका आप ये याद रखना, ये वाले दो पॉइंट्स ही यूज़ है. सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम. देन उसके बाद है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. देन उसके बाद है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स. एंड उसके बाद ये वाले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड इन देन मल्टीप्लाई बाय 5/18. बट इफ़ टू कन्वर्ट फ्रॉम मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, देन यू मल्टीप्लाई बाय 18/5. नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट नोट्स हैं ये, देख लीजिए. जैसे एवरेज स्पीड, अब हमने अभी स्पीड का फॉर्मूला किया था, उसका फॉर्मूला था डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. बट जब हमें एवरेज स्पीड चाहिए इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, देन रिलेटिव स्पीड इज द स्पीड एट विच वंस अ ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग और रिसीडिंग फ्रॉम अनदर. ठीक है, जो रिलेटिव होते हैं, किसी से रिलेट करते, तो वो किससे रिलेट कर रही है, दिस इज वन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, व्हेन ए एंड बी ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, देन रिलेटिव स्पीड क्या होगी, एस ए माइनस एस बी. ठीक है, अब ये इसमें आपको एग्जाम्पल भी दे दिया इस पॉइंट का कि रिसीडिंग कैसे होगी वेन ए एंड बी ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, दो आपके पास ट्रैवलिंग्स हैं, वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो रही हैं, तो वो स्पीड क्या होगी, एस ए माइनस एस बी. अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, देन हम उसको प्लस कर देंगे, एस ए प्लस एस बी, कि टोटल कितनी स्पीड हो रही है. नेक्स्ट, ऑल द फॉर्मूले जितने भी हैं दैट वी यूज इन द नॉर्मल कंटेक्स्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू रिलेटिव स्पीड ऑल्सो, देन फॉर्मूला इज रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. एंड रिलेटिव डिस्टेंस का आप इजीली निकाल सकते हो, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम. सो टाइम कभी भी रिलेटिव नहीं होगा, बट डिस्टेंस और स्पीड के साथ रिलेटिव लगेगा. तो ये तो हो गए हमारे नोट्स. अब हम बात करते हैं अपने कंसेप्ट की, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड. सो फर्स्ट इज, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है. देखो यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी जिसमें कि एक लड़का है, ठीक है, और एक लड़की है. अब जो लड़का है वो बहुत स्लो स्लो भाग रहा है और जो लड़की है वो काफ़ी तेज़ रन, क्योंकि उसके पास एक पूरी डायरेक्शन है, पूरा डिस्टेंस है कि आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है. इसके पास कोई डिस्टेंस नहीं है, मैं आपको पहले बता देती हूँ. सो अब हम पढ़ते हैं, इन द पिक्चर अबव द गर्ल इज़ गोइंग रियली फास्ट, शी कैचेज अप एंड पासिस द बॉय. कैन यू से हाउ इज स्लो, मतलब हु इज़ स्लोअर. तो यू ऑलरेडी नो द बॉय इज स्लोअर देन द गर्ल. सो कैन यू से वाई इज द बॉय स्लोअर देन द गर्ल. येस, द बॉय इज स्लोअर देन द गर्ल बिकॉज द बॉय टेक मोर टाइम टू कवर द सेम डायरेक्शन, बिकॉज ही
we can also say that the speed of boy is less than that of the girl, because when a person cover a given distance in a given time, then the person is said to be in motion, and the rate which with which he or she moves is called speed. So it means, देखिए इसके पास पूरी direction है, ठीक है, पूरा इसके पास distance है, speed है, so उसके obviously इसके motions ज़्यादा अच्छे होंगे rather than boy. तो ये आपको याद रखना है एक तो point कि जहाँ पर आपके पास time distance, मतलब जहाँ पर आपके पास कोई motive तो होना चाहिए भागने का, भी ऐसे ही भाग रहा है, कहाँ जाना है इसको कुछ नहीं पता, इसको पता है कि मैंने घर से लेकर ट्री तक जाना है. सो दिस इज अ डिस्टेंस. नेक्स्ट पॉइंट इज, आपके पास पॉइंट आ जाता है अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो अभी अभी हमने बात की थी, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि किलोमीटर, मीटर, सेकंड पर आर, ठीक है. सो द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ डिस्टेंस, जब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हम कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं, लाइक किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर, ठीक है. ये तीन हमारे होते हैं मेजरमेंट जब हम डिस्टेंस को कवर करना है, किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर. नेक्स्ट पॉइंट इज, जब हमें आर को, मतलब टाइम को मेजर करना है, तो हम बोल सकते हैं कि एक घंटा, एक मिनट, या ये तो आपको नॉर्मली भी पता है कि सेकेंड्स में, मिनट्स में, या हम आवर्स में ही डिवाइड करते हैं अपने टाइम को, हम बता सकते हैं, मेजर करते हैं. नेक्स्ट जब हम डिस्टेंस करते हैं तो हम बोल देते हैं कि 6 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है. नेक्स्ट जब हम स्पीड को करते हैं तो हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं. स्पीड कैसे होगा, किलोमीटर पर आर, मीटर पर सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये पॉइंट आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, मिनट पर सेकंड. सो ये आपको याद रखना है कि किलोमीटर आर, मीटर सेकंड, सेंटीमीटर सेकंड. सो द यूनिट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस डिवाइड डिटरमाइन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्पीड. अब आपको अच्छे से याद रहेगा, जो हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, डिस्टेंस में हम हमेशा किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम जब टाइम की बात करते हैं तब वहाँ पर हम मिनट और सेकेंड का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्पीड आर किलोमीटर पर आर एंड मीटर पर सेकेंड एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो द यूनिट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस डिटरमाइन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ स्पीड. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. अगर आपको किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, सॉरी मीटर से किलोमीटर में करना है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर ऐसे भी आप कर सकते हो कि 1 किलोमीटर है इज इक्वल टू 1000 मीटर है. अगर आपको यहाँ पे 1 चाहिए तो आपको ऑलरेडी पता है 1/1000 हो जाएगा, ठीक है, ये तो सिंपल सा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. बट 1 hour इज इक्वल टू, ये भी आपको ऑलरेडी पता है कि 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं, और अगर 1 hour में 3600 सेकेंड्स होते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये कैसे बन सकता है, 60 मिनट टू 60 सेकेंड, तो ये 3600 हो गया आराम से. नेक्स्ट पॉइंट इज, अब देखिए क्वेश्चन, चेंजिंग द स्पीड गिवन इन किलोमीटर पर आर इंटू मीटर पर सेकेंड. अभी अभी मैंने आपको एक पॉइंट भी बताया था, जो मैंने दो नोट्स में आपको फिर से दिखा देती हूँ ये, ताकि आपको वो याद रहेगा, ठीक है. ये देखिए, जब आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकेंड में, तब आपको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, और जब आपको इसका रिवर्स करना है, मतलब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर सेकेंड में करना है, तो आपको 18/5 से करना है. अब आप क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको ऑलरेडी अभी करना है, ठीक है, ताकि आपको ये याद रहेगा. यस, ये वाला क्वेश्चन था, हाँ जी यही वाला क्वेश्चन था. इसमें देखिए किलोमीटर पर आर से मीटर में सेकंड करना है, तो ऑलरेडी किसको करोगे, 90 किलोमीटर को करना है, 90 × 5/18 कर दो, सिंपल था. और ये कैसे हुआ ये आपको यहाँ पे पता लग ही जाएगा, 5/18, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज, चेंजिंग द स्पीड गिवन इन मीटर पर सेकंड, अब इसका रिवर्स कर दोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे. नेक्स्ट, ईजी वे टू रिमेंबर कन्वर्जन, यस टू, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपने नोट्स में, जो मैंने अभी अभी बताया कि आपको अगर कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में, तब आप मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से. और ऐसे ही अगर आपको इसका रिवर्स, मतलब मीटर पर सेकंड को अगर आपको किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है, तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे. मतलब इसका रिवर्स करना है, आपको मल्टीप्लाई ही करना है दोनों केस में, बट रिवर्स इसका करना है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज ये आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड द फॉर्मूला इज डिस्टेंस डिवाइड बाय, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड. नेक्स्ट, अभी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड एंड टाइम. ओके, अब देखिए आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फ्रॉम स्पीड एंड टाइम से. आपको स्पीड एंड टाइम दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस कवर करना है. डिस्टेंस का फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो, स्पीड इनटू टाइम, देन आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट, कैलकुलेट टाइम फ्रॉम डिस्टेंस एंड स्पीड. अब आपको टाइम कैलकुलेट करना है, देन ये भी आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है. बट इसमें ये एक केस ये है कि आपको आंसर जो है, डिस्टेंस जो है वो मीटर में दिया हुआ है, और स्पीड आपको किलोमीटर पर आर में दी हुई है, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है, एक चीज़ में कर लोगे. मतलब यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे किलोमीटर है, ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया, तो आप इसको मीटर पर सेकेंड में कर लोगे. हमेशा ही आंसर आपका कोशिश करना कि मीटर पर सेकेंड में ही कन्वर्ट हो सके. सो आपके पास जो आंसर आएगा फाइनली, जैसे ये देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 26
7 जो दिया हुआ इसकी को आपने स्पीड को कर लिया किलोमीटर पर सेकंड में, अब जो आ गया इसका आंसर फिर आप इजीली फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो हमेशा याद कोशिश करना कि स्पीड हमेशा सेकंड्स में रहे। नेक्स्ट, कैलकुलेट स्पीड फ्रॉम टाइम एंड डिस्टेंस। अब आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है, टाइम एंड डिस्टेंस आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। टाइम इज़ 2 hours 45 minutes, सो 2 hours + 45 minutes करोगे आप, आवर्स को या तो मिनट्स में कर लो या मिनट्स को आवर्स में। सो 45 minute इज इक्वल टू 45 hours / 60, ओके, क्योंकि हमने क्या करना है यहाँ पे मिनट को आवर्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप वो इजीली कर सकते हो, अब आपका आर में डिवाइड हो गया, कन्वर्ट हो गया, अब आप इजीली इसको कर सकते हो। नेक्स्ट, स्पीड द फॉर्मूला आप लगा दोगे उसके आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ वर्ड की प्रॉब्लम आप देख लीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन पुणे एंड नासिक इज 352 किलोमीटर एंड अ बस रनिंग एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, लेफ्ट पुणे एट 20 आवर्स, सो वट टाइम इट विल बी नासिक। सो देखिए यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस है वो 352 किलोमीटर है और जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, देखिए आपको डिस्टेंस दे दिया, स्पीड दे दिया, तो टाइम इजीली निकल जाएगा यहाँ से बस, और वट टाइम इट विल रीच नासिक। सो यहाँ पे क्या आया, जो आपका आंसर आया 8 hours and 48 minutes, सो द बस स्टार्टेड एट 20 hours मतलब, एंड ट्रैवल फॉर अ पीरियड ऑफ 8 hours 48 minutes, सो 20+ आप उसको प्लस कर लोगे तो 28.48 हो गया। सो 28 hours 48 minutes हैं। अब इसमें से आप माइनस कर दोगे 24 hours, क्योंकि आपने माइनस क्यों किया है, ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम माइनस कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम माइनस क्यों कर रहे हैं, टू फाइंड द टाइम ऑफ द डे अकॉर्डिंग टू द 24 hour system, ठीक है, इस वजह से हम कर रहे हैं कि आपका मतलब जो हम जस्ट अब टाइम पता करने के लिए, वो भी हमारा जो 24 hour के बेसिस पे आता है। सो अब यहाँ पे कितना हो गया 4 hours and 48 minutes, सो द बस रीच नासिक अर्ली मॉर्निंग द नेक्स्ट डे। मतलब क्या किया हमने, देखिए 28.48 है मतलब 24 घंटे तो हो गए ना हमारे पूरे, 24 घंटे के बाद हमारा कितना टाइम बचा, उस पॉइंट में हमने करना है, उस पॉइंट को कैलकुलेट करना है। सो कितने टाइम पे, मतलब एक दिन तो पूरा ही लग गया उनका, बट उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट टाइम इट विल बी रीच नासिक। सो यहाँ पे देखिए 28 तो उनको पूरा टाइम ही इतने टाइम ही उनको इतना लगा है कि 28.48 मतलब एक दिन से ज़्यादा ही लगा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक दिन के बाद ही वो पहुँचेंगे, वो जिस टाइम पे पहुँचेंगे उस वो इतना लगेगा 4 hours and 48 minutes जो है वो उस टाइम पे नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग द नेक्स्ट डे एट 4 hours and 48 minutes के बाद ही वो पहुँचेंगे ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर गोज पास्ट अ पोल इन 20 seconds, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। सो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए ये होता क्या है पास्ट अ पोल, सो दिस मीन्स दैट द ट्रेन हैज़ टू ट्रेवल, जितना ट्रेन है ना उसकी जितनी लेंथ है उतना डिस्टेंस वो कवर करती है, उसको बोला गया है यहाँ पे पोल। सो यहाँ पे है द लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल इन द गिवन टाइम विद द सेम स्पीड। और स्पीड जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको टाइम दिया हुआ है 20 सेकंड, आपको क्या पता करना है यहाँ पे, स्पीड दिया है, सेकंड पता करना है, डिस्टेंस पता करना है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला इज स्पीड इंटू टाइम। सो ऑलरेडी आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड दी हुई है, तो आपको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5/18 से करना पड़ेगा, जो आपका ट्रिक है। सो किया तो अब सारे इक्वल हो गए, सेकंड, अब आप इजीली इसको निकाल सकते हो। सो टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड को ईजिली हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, देखिए स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस इज़ वन ऑफ द बेसिक टूल अ सेलर यूज इज नेविगेशन। ऑब्वियसली आपके हर एक फ़ोन में आप गूगल मैप है तो आप उसमें भी देख सकते हो कि डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है, टाइम का आता है, स्पीड का आता है। सो यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला ही कैन प्रिडिक्ट द टाइम ऑफ अराइवल, द स्पीड ऑफ ट्रैवल और द डिस्टेंस ही हैज़ टू कवर इन एथलेटिक इवेंट्स। जब आपके कोई भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं एथलेटिक इवेंट्स के बेसिस पे या फिर कोई भी राउंड्स होते हैं स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के बेसिस पे, तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत रिकॉर्ड होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द डिपार्चर एंड अराइवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ऑलरेडी किया भी होगा बीकॉम के क्वेश्चंस में, बीकॉम जब आप कर रहे होंगे तब एक हमारे ओआर ऑपरेशन रिसर्च था उसमें एक यहाँ पे हमारे पास था कि टाइम डिस्टेंस एंड जब हम देखते थे अराइवल एंड डिपार्चर, तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसमें काम आता है हमारा डेली लाइफ में और हम यूज़ भी करते हैं कि टाइम को, डिस्टेंस को एंड स्पीड को। नेक्स्ट आपके ये नोट्स हैं, ये आपको ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। मैं इसकी PDF ज़रूर दे दूँगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत ईजिली कलेक्ट किए हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे और ये न्यू टॉपिक भी है, तो जिसको नहीं आता है आप एक दो क्वेश्चन करके देखिएगा, ऐसा आप ज़्यादा यूज़ भी मत करिए, बट हाँ इतना है कि आप प्रेशर मत डालिएगा क्योंकि धीरे धीरे आ ही जाएगा। बट जैसे कि इसके फॉर्मूलेज हैं ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और वो ही क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार कि इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है या फिर इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेम डायरेक्शन में हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी PDF मैं आपको दे दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना और ये न्यू टॉपिक है। थैंक यू।
हेलो मेम्बर्स, सो ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको साथ इन्फॉर्मेशन और ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे जो व्यूअर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं उनके कुछ कमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ इसी के ज़रिए। तो प्लीज़ उनको थैंक यू जो भी कमेंट्स करते हैं बहुत अच्छे अच्छे उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है सीरियसली मुझे ही नहीं सभी यूट्यूबर्स को जो सीरियसली पढ़ा रहे हैं यहाँ पे एक नहीं है बहुत हैं। सो जो भी कर रहा है इस लाइन में क्योंकि यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली टीचिंग करना बहुत ज़रूरी है चाहे वो पढ़ रहा है चाहे वो पढ़ा रहा है। सो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो ये चीज़ समझते हैं वो कमेंट्स कर सकते हैं ओनली और वो उनके लिए वेरी वेरी थैंक यू। हाँ कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं तो मैं उनको पढ़ती ही नहीं हूँ तो उनको शेयर करना तो बहुत दूर है, नेगेटिविटी ना ही फैलानी है और ना ही मैंने बतानी है ठीक है। हाँ उन लोगों के लिए भी वेरी वेरी थैंक यू जो कमेंट्स करते हैं नेगेटिव, उनसे पता लग जाता है कि टीचिंग लाइन में भी कितने नेगेटिव लोग हैं पढ़ने के बावजूद भी। सो उनके लिए भी थैंक यू बट उनके सॉरी मैं उनके कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ ओके। पता लग जाता है उनके एक वर्ड से कि नेगेटिव जा रहा है तो मैं उनको उसी टाइम डिलीट एंड उसी टाइम अनब्लॉक और ये मैं हमेशा करूँगी। तो जो भी करते हैं उनके लिए वेरी वेरी थैंक यू जो नेगेटिव करते भी हैं उनसे पता लग जाता है कि टीचिंग लाइन में अभी भी कितने नेगेटिव लोग हैं पढ़ने के बावजूद भी ठीक है। और जो लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं मैं उनको हमेशा शेयर करूँगी और उनको हमेशा थैंक यू करूँगी और उन्होंने जो भी मुझसे डिमांड्स की हैं जिस वीडियो की मैं वो हमेशा बनाऊँगी। तो सबसे पहले है राजू जन गिराना, थैंक यू, वेरी वेल डन जॉब। नेक्स्ट कमेंट आया था रिजवान अहमद, ये हमेशा करते हैं और ये बहुत रेगुलर हैं। सो इनका आया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट्स एंड प्रेजेंटेशन मैडम, काइंडली मेक दिस काइंड्स ऑफ वीडियो मैडम। सर हमेशा मैं ऐसी बनाती रहूँगी सो डोंट वरी। नेक्स्ट आया था अनुविनी का है, थैंक्स मैम। नेक्स्ट इनका नाम है विनियात, सो स्पीकर्स वॉइस इज़ लाइक कंगना रनौत, सो थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट दीपक गुप्ता, मैम कॉमर्स का भी बता दीजिए। तो दीपक गुप्ता सर मैं आपको ऑलरेडी आपको मैंने रिप्लाई भी किया था और मैं बता चुकी हूँ कंपैरिजन जो है ये ओल्ड एंड न्यू सिलेबस का, इसका मैंने दोनों का दिया है पेपर वन का भी और कॉमर्स का भी, तो आप दोनों का देखना। नेक्स्ट है इनका हर्षिता पांडे, गुड थैंक यू। नेक्स्ट शोमाद्रिता विश्वास, मैम आई नीड योर वेबसाइट गोल्ड लेक्चर। मैम जो भी लेक्चर जो भी वेबसाइट है वो मेरी UGC हब ही है तो आप वो कहीं भी ढूंढ सकते हो, आप फेसबुक पे है इंस्टाग्राम पे है सो आप सर्च कर सकते हो और देख सकते हो। नेक्स्ट रिजवान अहमद जो सर बहुत कंटिन्यू है बहुत रेगुलर है, मैम थैंक यू, काइंडली मेक अ वीडियो ऑन पेपर वन इगर्ली फॉर योर, थैंक यू सर मैं हमेशा बनाती रहूँगी डोंट वरी। नेक्स्ट अनूप गहलावस, थैंक्स अलॉट मैम नाइस वीडियो। नेक्स्ट थैंक्स मैम। देन रिजवान अहमद, थैंक यू मैडम, यू आर द फर्स्ट चैनल टू डिस्कस न्यू सिलेबस ऑफ NTA नेट पेपर वन, वंस अगेन थैंक यू मैडम, काइंडली मेक अ वीडियो ऑन अपडेटेड सिलेबस ऑफ पेपर वन। सर मैं ऑलरेडी अपडेटेड करवा चुकी हूँ, अपडेटेड भी दिया है मैंने पेपर का और कंपैरिजन भी बताया है कि ओल्ड एंड न्यू सिलेबस जो हुआ है उनमें क्या क्या कंपैरिजन है तो वो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, प्लीज़ वो वीडियो देखना। नेक्स्ट वैलीभव मिश्रा, मैम प्लीज़ रिप्लाई, क्या आपका जो ओल्ड वीडियोस हैं थ्योरी चैप्टर्स के उसमें कोई चेंजेस हैं क्या? सो वैभव मिश्रा सर इसमें कोई चेंजेस नहीं है, हाँ ऐड हुआ है अपडेटेड सिलेबस और मैं उसी के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं ऐड करवाती रहूँगी। अभी मैंने एक पॉइंट के एक टॉपिक के दिए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू पॉइंट्स दिए हैं 60, अब वो ज़रूर देखना और ऐसे ही मैं सबके भी दूंगी। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि अपडेट हुआ है तो हमें भी वो ढूंढना पड़ रहा है, किसी बुक में नहीं आया अभी तक अपडेटेड सिलेबस, तो जैसे ही आ जाएगा जैसे ही मैं बना दूंगी मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगी सो डोंट वरी। नेक्स्ट है ये जस्ट फॉर स्माइल, यू आर हार्ड वर्किंग, थैंक यू सो मच मैम, वेरी यूजफुल पॉइंट्स, थैंक यू मैम। नेक्स्ट श्रीनिवासी, नाइस इन्फॉर्मेशन मैम, थैंक यू। सो ये कुछ मेंबर्स थे सब्सक्राइबर्स थे व्यूअर्स थे जो रेगुलर कमेंट्स करते हैं और मुझे इनसे बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो सर प्लीज़ ऐसे ही मुझे भी और बाकी जितने भी टीचर्स हैं यूट्यूब पे जहाँ पे भी आप उनको ऐसे ही पॉजिटिविटी फैलाते रहे रेदर देन नेगेटिविटी फैलाने के, क्योंकि बहुत लोग ऑलरेडी इस काम में जुटे हुए हैं, उनको अपना काम करने दीजिए हम अपना काम करेंगे। थैंक यू।